हेलो गाइस, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे भी आप सब मेरे हिसाब से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे नए ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। तो भाई मैं अभी उठा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने उठ के देखा भाई अफरा तफरी माच रही पूरे घर में, साफ सफाई पर पूरा जोर माच रहा है। नवी झाड़ू उठा रहा है, नवी की मम्मी पोचा उठा रही है, अरे भाई और तो और बरम बिन रुक रहा है आज तो, मतलब पूरी खिंचाई सेंटर चल रहा है साफ सफाई पे, क्योंकि रिश्तेदार आल लाग रहे हैं, राजू कंडेला विद फैमिली आल लाग रहे हैं। तो भाई मतलब मन ने तो उठ के देखा वहाँ तेरी गयू के सिस्टम हो रहा है भाई, आज तो सारे भगत तो उठ रहे हैं और पूरा जोरों शोरों से चल रहा है मामला। तो चलो भाई एक बार देख लेते हैं कौन सा के कर लाग रहे हैं। नवी भी आज थोड़ा सा जल्दी उठ रहा है भाई, ना तो छुट्टी वाले दिन ये थोड़ा लेट उठाया करता, पर आज थोड़ा टाइम से उठ रहा है। हर उठ का भाई इसने झाड़ू झूडू से बाड़ लिया अपनी, बिला मैं झाड़ू झूडू निकलवाऊंगा, अपनी मम्मी की हेल्प करूंगा बिला मैं। तो ये लाग रहा है नून का तरह ने फेंकने, अरे भाई अंदर मीनू भी लाग रही है अपने काम कुम, नून तून जो भी बिखरा पड़ा था सारा सामान, और साफ सफाई पर पूरा जोर और शोरों से ध्यान चल रहा है भाई, साफ सफाई और लाग रही है। खुड़बा होगा राजू दोपहर है, तो बरम लाया भाई अपनी एसी की जाली चुली काट के लाया भाई, इसकी एसी की जाली बहुत गंदी हो रही थी भाई, दुनिया भर का रेत भरा पड़ा है इनमें, देखो कितनी माटी लकड़ लाग रही है। तो भैया सफाई करनी भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस तरह एसी की कूलिंग का माल लाग जाए फिर, तो यह कार्रवाई भी करनी जरूरी थी। अस्त्र शस्त्र अपने संभाल लिए थे भाई बरम ने, फिर भाई इनकी सुखाने की ट्रिक शुरू होगी, फिर सनाया ने संभाला भाई मोर्चा अपना। सारे ने देख कर भाई सारे मतलब पूरी जोर शोर से लग रहे हैं भाई, भाई ने भी एसी की जाली जुड़ी साफ कर दी, तो उसने देख कर तो मेरे भी याद आई भाई, मैंने भी अपनी एसी की जाली साफ करनी थी, वो भी घने दिन तो नहीं हो पड़ी है। मैं भी सोच रहा था एसी कूलिंग कम क्यों कर रहे हैं, तो भाई मैंने भी सोचा भाई अपने तू भी एक बार चल और एसी की जाली साफ करिए, तो काम करना पड़ेगा भाई। मेरे आने से पहले ही मीनू ने छेड़ा छेड़ दिया, देखो भाई देखो बुरा हाल हो रहा है, रेत भरा पड़ा कर दी, खुद माटी उठ रही देखिए। तो मन्ने भी भाई अपना मोर्चा संभाला, मैं भी जाल जाना भाई बाहर ले गया, मन्ने भी एक दूसरे का बढ़िया बढ़िया मारी इनमें, तो पूरी धूल उठी भाई, पूरा रेत लगड़ा इनमें, तो ना तो इतनी भरी पड़ी थी इनमें कुछ भी नहीं दिखा था आर पार भाई। फिर मैं ले गया भाई वाश बेसन के नीचे, टूंटी के नीचे ले गया इसने, और फिर मीनू तक कहेगा मैंने एक मंगवाई भाई कपड़े धोने वाली ब्रश मंगवाई, और उस ब्रश मार मार कर ब्रश मार मार कर एक नंबर की बना दी भाई इनमें, तो सारा रेत निकल गया। फिर उसके बाद धोए पाछा मैंने, फिर ये सुखाई भाई थोड़ी सी हला हला के फिर सुखा दी मैंने ये धूप में। तो मीनू तो कहेगा भाई मैंने एक टूथब्रश मंगवाई और एक मंगवाया कपड़ा, उस तो भाई एक नंबर का साफ होगा, कती एसी में कोई दिक्कत नहीं आती साफ करने में, मतलब एक नंबर की बढ़िया सफाई हो जाए भाई उस तो आसानी से साफ हो जाए। तो जो एसी का ढक्कन था भाई मैं उसने ऊपर सेट करने की सोच रहा था, उसने मैं ऊपर करूँ जब वो नीचे आ जाए, ऊपर करूँ जब मैं नीचे आ जाऊँ, उसने भी दुखी कर रखा था भाई मैंने। फिर भाई थोड़ा सा हमारा गीला कपड़ा भाई एसी पे, आज तो देख लो गाइस सब कुछ साफ करने लग रहे, पंखा भी एसी भी, आंगली पकड़ कर पोंछा पकड़ रहा है क्या आपने, ठीक है एसी एसी की बात हुई थी नू को ना, बात हुई थी फिर आप पर रोज थोड़ी फंसो हो, आज तो तेरा फंस रहा हूँ अच्छी बात नहीं, बाकी है पार्टी लगेगी कड़े थोड़ा साफ हो। अच्छा आप पार्टी दोगे साफ करे कि ना, कि मैं की दूंगा आपने देनी पड़ेगी काम थारे नहीं है करके, ठीक है फिर आज तो पार्टी दोगे भी है। हाँ पार्टी देंगे, पार्टी में क्या खाओगे बोले चिट्टू रे भाई फूक मारने का वो था नहीं, एयर ड्रायर तो था नहीं, तो मुगल काम चलाना पड़ा इपरा दूसरे ना जाली जाली भी मारी सूखी है, तो ये जाली सेट कर दी इसमें, अपना काम हो गया डन। बतो हो गया, हो गया सारा काम फिट हो गया है, एक काम और कर दो इके ये ड्रेसिंग और कर दो ऊपर ताई टेडी बियर ड्रेसिंग का, मैंने ठेका नहीं था रखा था अपना निमटा ले, ठीक है कर दो ना, ओ ना 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 ना, ना अपने बस की बात नहीं है, ओहो बतेरा कर दिया और के राम नु लूटोगे, आज तो मैंने औकात ज्यादा काम कर दिया, अच्छा बहुत कर दिया, थक गए होगे, थक गया इतना काम कभी करया है को नहीं जितना आज तक करवा दिया, सही को मजा। अच्छा एक नवी भाई वाइपर की गाड़ी बना रहा है, देखो इसकी रियल बना रहा है खींचने,
फिरकी बांध रखी है इसकी वाइपर की। मैं चलता हूँ एक बार मार्केट में, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेकर आना है। तो भाई ने गाड़ी निकाल ली, तो चलो एक बार निकलते हैं। भाई अनलॉक करियो गाड़ी को, एंड चिल्ड कर रखी भाई ने पहले गाड़ी, मजा आया बैठते। कूलिंग फुल हो रही है। क्या प्रोग्राम है? ये देखो भाई, गौ माता खड़ी है भाई आगे। थोड़ा सा गाड़ी ध्यान से निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद भाई हमने कर लिया अपना म्यूजिक ऑन कर लिया है, थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं इसमें। तो हमने कर लिया भाई ब्लूटूथ कनेक्ट, अरे हम ले आएंगे म्यूजिक का फुल एंजॉय ले आएंगे। और ब्रह्म भाई बताओ था भाई, अलवेश यादव का गाना आ रहा है, बहुत बढ़िया गाना आ रहा है। तो भाई मेरे याद भी आया भाई, अलवेश भाई बिग बॉस में जा रहा है, उसने सपोर्ट करो भाई, उसको वोट करो, सपोर्ट करो भाई ने। और चलो हम लेते हैं एक बार म्यूजिक का एंजॉय लेते हैं। शहर में भाई 15 अगस्त की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है भाई, जगह जगह पे नाके लग रहे, पुलिस प्रशासन बहुत खड़ा है। और हम पहुंच गए भाई रेस्टोरेंट पे, बाहर पहुंच गए हैं। और भाई छोटू देखो भाई कितनी मजा ले रहा है भाई फुहारे का। तो चलो भाई रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। अंदर जाकर देखा भाई मैंने सारा रेस्टोरेंट खाली खाली सा दिखा भाई, उड़े जो एम्प्लॉय थे न्यूनतम घूम लग रहे थे। तो फिर मैंने चलो भाई मेनू ले लेता हूँ एक बार, मेनू लेकर भाई देख लेता हूँ क्या कुछ ऑर्डर करना है। तो मेनू देखा भाई मैंने, उसमें कन्फ्यूज हो गया यार मैं, इतने सारे आइटम थे भाई क्या ऑर्डर करूँ। तो भाई हमने ऑर्डर कर दिया है, तो अभी ये बता रहे भाई 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। तो मन्ने भी अपना टाइम पास करने का साधन टो लिया था भाई, मन्ने उड़े दिख गया था एक झूला, झूले पे बैठा भाई मैं, पूरा मजा आया भाई। झूला शुरू में आराम आराम तो चला भाई, बाद में उसने अपनी पूरी स्पीड पकड़ ली भाई, पूरा मजा आया भाई उस पर बैठ के भी। और समय सारणी के अनुसार टाइम भी भाई 10:15 बज चुके थे। और भाई भाई भी अपने शीशे आकर खड़ा होकर टाइम पास कर ला रहा था, मुँह ने बोझ बोझ के देख ला रहा था, पता नहीं पा रहा था इसने उसमें। तो हमारा ऑर्डर बनकर तैयार हो गया था भाई, भाई ने पीछे पूछे भाई 260 रुपये बताए भाई ने, फिर भाई ऑनलाइन करनी पड़ी भाई पेमेंट, हमने ऑनलाइन कर दी भाई 260 रुपये की पेमेंट। हमने भाई अपना जो लेना था ले लिया यहाँ से, खाने पीने का सामान थोड़ा सा। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, बाहर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो मैं अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठ गया था भाई, गाड़ी खिड़की खोल कर भीतर बैठा भाई, ओहो जी सा आ गया भाई, कितनी भीतर तो चिल्ड हो रही थी, मजा आएगा भाई। अरे फिर मेरे याद आई भाई मैंने रास्ते में थोड़ी सी मिठाई और एक छोटी छोटी समोसी सी आयर में भी लेनी थी। तब मैं पहुंच गया भाई मिठाई की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर जाकर देखा भाई काउंटर पर धर रहे थे वहाँ समोसिया के डिब्बे भी। और उसके बाद भाई मिठाई ऑर्डर कर दिया हमने, भाई ने मिठाई मिठाई पैक करके मारती हाथ में पकड़ा दिया भाई सामान। फिर देखा भाई गाड़ी अनलॉक, मतलब 2-3 बार मैंने खोलने की कोशिश करी, कई देर में गाड़ी जाकर खुली भाई। फिर ध्यान भाई पेट्रोल पंप पर तेल भी गलाना भाई गाड़ी में। तो हम पहुँच गए गाइस पेट्रोल पंप पे, और गाड़ी ला दी भाई पेट्रोल पंप पे तेल गलवाने खातर। और भाई ने पेट्रोल गाल दिया भाई, टंकी फुल कर दी भाई तेल गाल के। तो हम पेट्रोल पंप पे तेल ताल गला के फ्री हो गए थे भाई। फिर हमने सोचा भाई मैं अपने शहर तक बार बार गाड़ी ले लेंगे, थोड़ा सा समस्या तो बच जाएंगे, भीड़ भड़ाके तो बच जाएंगे, काम खाई की भसड़बाजी तो पेंडा छुट जाएगा भाई। हम शहर तक बार बार लकड़ गए भाई सीधे घर के लिए, और 10 से 15 मिनट का रास्ता था भाई, 10-15 मिनट में हम सीधे घर पहुँचते हैं अभी। तब मैं पहुँच गया भाई फाइनली घर पहुँच गया, सामान सामान लेगा हम घर पहुँच गए हैं। और अगर आगे देखा भाई मीनू ने लग रही थी अभी, कुछ ना कुछ आपने चादर वादर चेंज कर दी, थोड़ी सफाई और कर दी इसने। तो चलो देखो थोड़ी बार में कमरे का रंग रूप बदल दिया भाई इसने। तो ये एक सोफा था पहले, यहाँ एक सोफा बाहर रखा था, ये भी अंदर सेट कर दिया। मैं भी नहा धो लूँ भाई क्योंकि गर्मी हो रही है, और राजू भी आने वाला है, तो इतना हम नहा धोगे अपने थोड़ा तैयार हो लिया भाई। तो अरे मीनू भी नुह घूम लग रही है, बतवा भी नहाई धोई है, थोड़ा सा न्यू घूम लग रही है, काम कुम निपटा गई, फ्री हुई होगी मेरे हिसाब से। हाँ ये भी कपड़े कपड़े लग रही थी जचान। तो चलो कोई नहीं मैं तो नहा लू इबे, मैं भी नहा लू। हाँ ठीक है। और नवी भाई अपनी बॉडी ने इतना फ्लेक्सिबल बना रहा है, देखो पैर की उंगली ना जो वो अपने मुंह में दे रहा है, कदे उस पैर ने पकड़ ले, कदे उस पैर ने पकड़ ले। गाइस मैं भी नहा धो गए तैयार हो लिया हूँ भाई, और मीनू भी तैयार हो ली है, नवी भी तैयार हो लिया है, नवी नहा लिया पर कपड़े चेंज ना करे उसके, नहा धोवा के तैयार कर दिया था वो। तो गाइस जी देखो मीनू भी लाग रही है भाई, क्या करो रिमोट राजूर के बाट में थोड़ी आंटी भी देख ली, और के करूं ना तो लेट कर दिए। तो भाई मीनू तो बाट देख के सोचा चल इतना टीवी देख लिया, रिमोट तो लग रही है, तो राजू राय ना है इबे देखो कितनी देर में आओगे, फोन करा था तेन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलो उनका वेट करते हैं। तो राजू भी पहुंच गया है, और गाड़ी अंदर करनी पड़ेगी यहाँ पार्किंग में। तो यहाँ भाई 2-4 बार आगे पाछे करके जब घुसानी पड़े है, थोड़ा सा गेट में दिक्कत है इसमें, गेट भीड़ा है यो, तो अंदर पार्किंग करती है ना दिक्कत आवे है। आओ जी आओ जी,
कैसे हो? हेलो राजू कंडेला, कैसे हो? मैं बढ़िया। अच्छा चलो चलो, राजू भी पहुंच लिया है क्योंकि तड़का था बाट देख ला रहे इब्राहिम हावरेस का थम गया है। बहुत टाइम ला दिया भाई, कितना टाइम ला दिया इतना? बस मैंने सोच रहा था सारा मेकअप मेकअप उतर लगा इतना है फिर पहुंचाएंगे। तो चाय पानी का प्रोग्राम शुरू हो गया था भाई, फिर मैंने राजू तो कही राजू तो बहुत लेट आया भाई। फिर राजू ने एक बार घड़े का देखा भाई, इन्होंने बोला ना ठीक टाइम पा रहा हूँ। फिर हमने गप्पे सप्पे मारे थोड़े हैं, उसके बाद भाई रोटियां का प्रोग्राम शुरू हो गया था। हमारा खाना वाना आ गया भाई, राजू मैं और ब्रह्म एक बार हम तीनों बैठ के एक बार खाना खा लेते हैं। खाना वाना खा के हम फ्री हो गए थे भाई, फिर मेरे ध्यान आई भाई मेरे तो फोन की बैटरी लो हो रही यार, मतलब थोड़ा सा स्त्री अभी चढ़ ही गए थे हम तो कुछ भी ध्यान ना रहा था। तो एक बार अपना भाई थोड़ा सा फोन फान चार्ज कर लूँ मैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या रहता है। तो गाइज मैं इस व्लॉग का भाई यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।